ओम शांति। आज हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय ममता की मूरत ज्ञान रत्नों की खान आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का 14वें पुण्य स्मृति दिन पर उनकी शिक्षाएं मधुर स्मृतियों को याद करते हुए जैसे हर एक बात नैनों के सामने तरोताजा हो जाती है, आज स्वयं को मैं सौभाग्यशाली समझती हूं कि ऐसे बाबा की चुनी हुई विशेष मुन्नी मम्मा के सानिध्य में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादी जी की एक एक बात जब स्मृति में आती है तो ऐसा लगता है कि अद्भुत गुणों की खान थी। वैसे तो दादी जी के सानिध्य में ही मेरा समर्पण हुआ 1980 में, और उस समय दादी जी ने बड़े प्यार से उज्जत के साथ सभी को यही सुनाया क्लास में कि अक्सर बहनें अपने सेंटरों पर समर्पित हो जाती है, परंतु आज मधुबन को एक कन्या प्राप्त हो रही है जिस पर दादी जी का हक है, मधुबन का हक है। मुझे बहुत अंदर में ये महसूसता हुई और उस दिन से लेकर के यही फीलिंग आई मैं मधुबन निवासी हूं। उसके बाद दादी जी ने विशेष मुझे बॉम्बे भेजा, लेकिन ये कहते हुए ही भेजा कि जब भी मधुबन की आवश्यकता होगी तो दादी तुझे जरूर बुला लेगी। मुझे हर समय ये फीलिंग रहती थी मैं मधुबन की, और इस तरह से जब भी दादी जी का बॉम्बे आना होता था तभी भी मुझे एक विशेष निकटपन का अनुभव होता था। यही महसूस होता था दादी मेरी है, और बड़े प्यार से दादी मुझे गले लगा लेती थी, खूब सारा प्यार लुटाती थी। मुझे याद आती है घटना कि जब दादी जी बॉम्बे आए थे और दादी जी का प्रोग्राम सेंटर पर था, मुलुंद सेंटर के कोई नया सेंटर खुल रहा था, तो वहां पर दादी को जाना था ओपनिंग के लिए। दादी के साथ मोहिनी बहन तो हमेशा साथ रहती थी, तो उस समय जब वहां से भाई आए लेने के लिए दादी जी को ले जाने के लिए, तो योगिनी बहन ने मुझे कहा कि ऐसा करो तुम दादी जी के साथ चले जाओ। उस समय कोई गाड़ियों का काफिला तो होता नहीं था, वो एक गाड़ी आई थी क्योंकि सेंटरों पर भी गाड़ियों वाले भाई बहने बहुत कम आते थे, तो इसीलिए वो एक गाड़ी आई थी जिसमें दादी जी, मोहिनी दीदी और मैं, ऐसे हम तीनों को जाना था। परंतु ऐसा हुआ कि जैसे ही हम वहां से निकले और करीबन एक घंटा का रास्ता तय किया, 2 घंटे का टोटल जर्नी था,
तो एक घंटे का रास्ता तय करने के बाद उस भाई की गाड़ी खराब हो गई। उन दिनों में मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो मुझे बड़ा खराब लग रहा था कि अब गाड़ी चल नहीं रही। भाई ने देखा और कह दिया कि अभी एक गाड़ी तो खराब हो गई दादी, अभी कोई दूसरा बंदोबस्त करते हैं। और मैंने किसी दुकान में जाकर के लैंडलाइन से फोन किया योगिनी महन को, तो कहा अभी अगर मैं गाड़ी भेजूं भी कोई तो एक घंटा आप लोगों को ठहरना पड़ेगा। तो दादी जी से पूछो कि भाई आप लोग कहीं ऐसी व्यवस्था है ठहरने की एक घंटा, क्योंकि उन दिन बॉम्बे में भी बहुत कम सेंटर्स होते थे। बड़े बड़े पड़ाव में तो सेंटर्स होते थे, लेकिन छोटे छोटे स्थानों में तो सेंटर नहीं होते थे। और जहां जाना था वहां भी एक घंटा और लगना था, वहां से भी गाड़ी आएगी तो भी एक घंटा लगना था। तो दादी जी से पूछा कि हम एक घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक दूसरी गाड़ी आए। दादी जी इतनी निर्माणचित, दादी जी ने कहा कि हम एक घंटे के लिए वेट करेंगे, वहां कितने भाई बहने खड़े होंगे, क्योंकि ओपनिंग का जो टाइम दिया था उसके हिसाब से तो सारे भाई बहने एकत्रित हो गए होंगे। तो दादी जी ने कहा ऐसा करो, एक घंटा वेट क्यों करें हम, गाड़ी आने तक एक रिक्शा बुलाओ, क्योंकि उस एरिया में टैक्सीज नहीं होती थी, उन दिनों में रिक्शा चल रही थी। तो दादी जी ने कहा ये रिक्शा बुला लो और हम तीन ही तो है तो तीनों बैठ जाएंगे रिक्शा में और पहुंच जाएंगे। मुझे बड़ा खराब भी लग रहा था कि दादी जी को मैं रिक्शा में कैसे ले जाऊं, लेकिन कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि टैक्सी मेन बॉम्बे में चलती थी, पराव में इस तरफ नहीं चलती थी, रिक्शा ज्यादा चलती थी। मोहिनी बहन के तरफ मैं देखने लगी, मोहिनी बहन ने कहा हाँ दादी ने कहा है ना, चलो एक रिक्शा कर पहुंच तो जाए टाइम पर। हमने एक रिक्शा बुलाई और रिक्शा में हम तीनों बैठ गए, दादी मैं और मोहिनी बहन तीनों एक रिक्शा में बैठ करके जिस स्थान पर हमें जाना था वहां पर पहुंच गए। सभी लोग तो इंतजार कर रहे थे कि दादी अभी बाय रोड कार में आ रही है, लेकिन जब रिक्शा से उतर करके हम सभी को देखा, सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन उस समय मैंने दादी जी की यह निर्माणता देखी कि दादी जी को ये भी नहीं कि भाई दूसरी गाड़ी आने तक हम वेट करें, ये दादी जी को ज्यादा चिंता थी, इतने भाई बहने इकट्ठे हो रहे हैं और हम कितना समय लेट पहुंचेंगे, एक घंटा गाड़ी आने तक रुकेंगे और एक घंटा जाने दो घंटा हमें रुकना पड़ेगा, इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, समय पर पहुंच जाना ही उचित रहेगा। और उसके लिए दादी रिक्शा में बैठ करके हमारे साथ चली, ये दादी जी की निर्माणता हमने उस वक्त अनुभव किया। तो इसलिए कहा कि दादी जी को कभी भी ये फीलिंग नहीं थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूं, ये अहंकार दादी जी के अंदर कभी नहीं देखा। दादी का जो स्लोगन था निर्माण निर्माण और निर्मल वाणी, ये प्रैक्टिकल दादी जी की अपनी धारणा थी। वो चीज ने मुझे इतना प्रभावित किया था और उस दिन से लेकर के इस चीज को मैंने भी अपने जीवन के अंदर कि अगर दादी जी इस तरह से आ जा सकती है और कर सकती है और कार्यक्रम को महत्व देती है कि बाबा के इतने बच्चे बैठे होंगे, कोई धूप में बैठा होगा, कोई कहां बैठा होगा, इससे तो समय पर पहुंच जाना ही उचित रहेगा। उसके बाद जब मैं हैदराबाद गई जहां रमा कुमारी के द्वारा पहला मैनेजमेंट सेंटर खुला था, तो उस मैनेजमेंट सेंटर के ओपनिंग पर परम आदरणीय दादी जी पहुंचे थे और जब उसका ओपनिंग किया तो उस समय
ओपनिंग करने के बाद दादी जी ने मुझे बिठाया और कहा कि देखो ये कंपनी वाले लोग हैं और इनके अपने नजरिया होते हैं, तुम अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाना क्योंकि तुम्हें बाबा का नाम वाला करना है। और इसीलिए अपने जो नियम सिद्धांत है उसको भी कायम रखते हुए उनकी जो भी बातें हो या उनके जो भी तरीके हो उसमें हमें अपने आप को ढालना नहीं है। और बहुत प्यार से दादी जी ने जैसे आशीर्वाद देते हुए वहां से गए, मधुबन पहुंच करके दादी जी ने एक पत्र लिखा मुझे, जो पत्र आज भी मेरे पास है। और दादी जी ने यही कहा कि देखो ये जो बाबा का मैनेजमेंट सेंटर खुला है ये मत समझना कि बॉम्बे से खुला है, ये मधुबन से खुला है और मधुबन ने तुमको यहां बिठाया है, बाबा ने तुमको बिठाया है यहां पर और इसीलिए तुम्हें कभी भी कोई भी चीज की आवश्यकता हो या कोई भी बात ऐसे करनी हो तो तुमने संकोच होकर के दादी के पास आ सकती हो, दादी से बात कर सकती हो। माना कभी भी हमें ये फीलिंग नहीं होने दिया कि हमको कहीं अकेले में दादी ने छोड़ दिया और हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन हर वक्त हमें यही महसूस होता था कि हम मधुबन के तरफ से हैदराबाद के इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर में हैं और इसलिए निरंतर ये अनुभव करते थे जैसे दादी जी की शुभ भावनाएं आशीष हमारे साथ है। और इसलिए जो है वहां कोई भी कार्यक्रम करते थे तो हमें हर वक्त ये स्मृति रहती थी कि हमें बाबा का नाम वाला करना। बाबा ने एक नई सेवा का द्वार खोला है और उसके लिए अगर दादी ने हमें निमित्त बना करके यहाँ रखा है तो जरूर बाबा का इसमें कुछ न कुछ विशेष कार्य समाया हुआ होगा। तो हर वक्त हमें दादी जी का जैसे ब्लेसिंग्स महसूस होता रहा और सदा ये फीलिंग आती रही कि दादी जी हमारे साथ है। उसके बाद जब मैं हैदराबाद से ही एक ग्रुप को लेकर के गई माउंट आबू शिविर के निमित्त, तो जैसे ही हमने द्वार से प्रवेश किया पता नहीं एक अलग सी फीलिंग मुझे आ रही थी, खास करके जब मैं ट्रेन से हम आबू रोड पहुंचे और आबू रोड से माउंट जब बस में जा रहे थे, पता नहीं ये दृश्य देखते हुए मुझे अंदर में ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि दादी जी को भी जब बाबा ने बुलाया था 1969 में और दादी जी को कहा कि भाई आपको ये कारोबार संभालना है तो दादी जी ने कभी पीछे मुड़ करके ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सेंटर है, मेरी ये सेवाएं हैं, मैं किसी को सौंप कर आती हूं, कुछ नहीं। और इतनी समर्पित बुद्धि होकर के दादी ने बाबा की हर बात को सिर माथे करके स्वीकार किया। उस दिन जब हम भी माउंट चढ़ रहे थे सारे दृश्य प्रकृति के जो हरियाली थी उसको देखते हुए मन में यही संकल्प आया कि मान लो कि मुझे भी दादी जी अगर कहे कि तुम्हें यहां रहना है तो मुझे क्या करना चाहिए। क्यों ये विचार आ रहे थे मेरे मन के अंदर मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे जो होनी होती है वो जैसे पहले से ही वो संकल्प मन के अंदर आरंभ हो जाते हैं, तो मेरे मन में यही आया कि जैसे दादी जी ने किया ऐसे ही मुझे भी करना। और
इसीलिए जैसे ही मैं गेट में प्रवेश हुई ग्रुप को लेकर के और शशिबेन के ऑफिस में गई, दादी जी आंगन में बैठे थे और दादी जी ने हाथ के इशारे करते मुझे बुलाया और बुलाकर पूछा, कितने दिन के लिए आई? मैंने कहा, दादी ये ग्रुप को लेकर आई हूँ शिविर के लिए और इसके साथ ही पांचवें दिन में चले जाएंगे। दादी ने तुरंत मुझे कहा, टिकट कैंसिल करा दो, ग्रुप को भले जाने दो और तुम यहाँ रुक जाओ। कोई खास सेवा तो नहीं है हैदराबाद? मैंने कहा नहीं। तो कहा, दादी चाहती है कि तुम थोड़ा दिन यहाँ रुको। रास्ते में मुझे जो संकल्प आ रहे थे और मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मैं सोच रही थी और दादी ने वही बात कही। उसके बाद दादी ने मुझे पूछा कि तुम चन्ना रेड्डी को जानती हो, कभी मिली हो उसको? मैंने कहा हाँ, रक्षाबंधन के समय मिली थी, उनके पास हम गए थे राखी बांधने के लिए। दादी जी ने कहा भी वो राजस्थान का गवर्नर बना है और उसने इच्छा व्यक्त की है कि मैं रमा कुमारीज का कोर्स करूं। शीलूबेन तो शिविर में बिजी है, वो जा नहीं सकती है। शशिबेन भी शिविर में बिजी है, वो भी जा नहीं सकती है। तो मैं सोच रही थी किसको बुलाऊं, अच्छा हुआ तुम आ गई और तुम मिली भी हो उसको, तो उसको कोर्स कराएगी? मैंने कहा जी दादी, क्या रोज राजभवन जाना पड़ेगा? तुम एक बार वहां जाकर के देख के आओ और वहां जो प्रकार की तैयारी करनी है, उसने कहा कहलवाया है कि यहाँ ही बैठ करके हम कोर्स करेंगे, इसीलिए यहाँ पर आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा तैयार करके हम दे सकते हैं। मैंने कहा दादी, अगर बाबा का कमरा जैसा कुछ बनाए, बाबा का फोटो अगर वहां लगाए और वहां बैठकर करें तो एक वाइब्रेशन, और नीचे सफेद चद्दर अगर बिछाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, एक वाइब्रेशन बना रहेगा। दादी ने कहा ठीक है। दादी ने तुरंत भाइयों को कहा जैसा ही उसको चाहिए वैसा बना करके दो। और फिर उसका कोर्स आरंभ हुआ और कोर्स के दौरान जो है मेरी हर बातें रिकॉर्ड होती थी। मैं शाम को जाती थी कोर्स कराने के लिए, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक कोर्स कराती थी। जैसे ही वहां से कोर्स करा के आती थी कि दादी जी बाहर ही बैठी होती थी आंगन में, कितना कोई कहे कि दादी आप भोजन कर लो पहले, दादी कहती नहीं उषा भी आई नहीं। दादी जी को यही रहता था कि छोटी है, वहां पता नहीं उसने क्या क्या प्रश्न पूछा होगा इतना बड़ा, और मालूम था कि डॉक्टर चन्ना रेड्डी बहुत बुद्धिमान है, होशियार है, और किस लिए उसने ये बात कही थी कि मुझे कोर्स करना है, तो इसीलिए दादी जी इंतजार करती थी। आते जैसे ही मैं आती थी तो पूछती थी, अच्छा कुछ बातचीत हुई? उसने कुछ पूछा? 7 दिन तक तो कुछ नहीं पूछा था उसने, लेकिन जैसे ही 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, 8वें दिन उसने कहा कि अब कोर्स पूरा हो गया, अब मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। और उस दिन सवाल जवाब करते करते करीबन 2 घंटे हो गए, 7:30 के बदले 8:30-9 हो गए। 9 बजे तक दादी जी ने भोजन नहीं किया, क्यों नहीं आई, कितने लोगों को भेजा, लेकिन एडीसी मना करता था, अभी डिस्कशन चल रहा है, अंदर कोई जा नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो लोग वापस आ जाते थे। दादी जी को लगा कि भाई 2 घंटे हो गए, क्यों नहीं आई अभी तक, एक चिंता होने लगी दादी जी को। जैसे ही 9 बजे में आई, दादी जी ने कहा अच्छा इधर आओ, चलो हमारे साथ ही भोजन करो, तुमने भी भोजन नहीं किया है, अपने साथ भोजन कराया। और भोजन करा के जो है पूछती रही क्या बोला, मैंने कहा दादी आज बहुत सारे सवाल जवाब हुए, अच्छा
क्या पूछा, एक एक सवाल पूछ, अच्छा इसका जवाब तुमने क्या दिया? मैं बताती थी ये जवाब दिया। दादी कहती शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। फिर मैंने कहा दादी जी उसने कुछ सवाल ऐसे पूछे जिसका जवाब मुझे पता नहीं था, कौन से सवाल थे? अच्छा फिर तुमने क्या कहा इसके बारे में? मैंने कहा मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, हैदराबाद में रहती हूँ, और इसीलिए यज्ञ के कुछ कारोबार की बातें मुझे पता नहीं होती थी। तो मैंने यही कहा उसको कि मुझे पता नहीं है, मैं दादी जी से पूछ करके कल फिर आपको बताऊंगी। और चन्ना रेड्डी को भी इस बात में सच्चाई महसूस हुई कि जो चीज उसको पता नहीं है वो नहीं जवाब देती है, कहती मैं पूछ के आऊंगी और फिर जवाब दूंगी। जब ये बात दादी जी को सुनाई तो दादी जी इतनी प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छा तुमने जवाब दिया। और फिर जैसे मुझे एक एक सवाल का क्या जवाब देना है दूसरे दिन वो भी बताया, और बता करके फिर जैसे तैयार करके भेजा कि अब आज इन बातों का जवाब देना है ना, हमारी दादी जी ने ये बात सुनाई है। या कहना कि आप आओ माउंट आबू, आप आओ पांडव भवन में, और पांडव भवन में दादी जी आपको इन सभी बातों का जवाब दे देंगे। सचमुच में जैसे ही मैंने ये बात कही उसको, कहा ठीक है मैं कल शाम को आता हूँ पांडव भवन में और दादी जी से स्पेशल मुलाकात करूंगा। बहुत अच्छा लगा। और दादी जी से जब मिले, दादी जी ने जो उनके प्रश्न थे उनका जवाब दिया, तो दादी जी को हर एक बात का जवाब देते हुए, दादी जी की तो सरलता ऐसी होती थी, निर्माणता ऐसी होती थी, दादी जी के विचारों की स्वच्छता ऐसी होती थी जो कोई भी आत्मा प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। और इसलिए वो इतना प्रभावित होकर के इतने सरलता से दादी जी की हर बात को सुन करके स्वीकार करते रहे और हर बात को एक्सेप्ट किया। इसी से ही मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया कि जब चन्ना रेड्डी निमित्त बने ज्ञान सरोवर के प्रोजेक्ट को पास करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से माउंट आबू की लैंड नॉन कन्वर्टेबल थी, जहां पर कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, लेकिन उसने विशेष मदद करके उसको कन्वर्ट कर दिया और बिल्डिंगें बनने लगी। ज्ञान सरोवर का कारोबार बहुत शीघ्रता से हुआ। और उसके बाद जैसे ही उसने दादी जी से कहा कि मैं जयपुर में भी ऐसी एक सेवा कराना चाहता हूं जहां सारे मिनिस्टर्स और आईएएस ऑफिसर्स को बुलाऊंगा। सचमुच में इतना सुंदर कार्यक्रम जयपुर में ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, बड़ी दादी जी को इतना सम्मान दे करके वहां बुलाया, हम भी साथ में गए थे दादी जी के, और इतने क्रीम लोगों को इनवाइट किया था सारे जयपुर के, और उनके बीच में जो प्रोग्राम रखा, देख देख करके जैसे दिल गदगद हो रहा था कि बाबा कैसी ही सेवा करा रहा है। और उसके बाद उसने दादी जी से कहा कि इन सब की सेवा, ये सबको भी कोर्स करना चाहिए, तो मुझे यही बहन चाहिए यहाँ जयपुर में, मैं एक मिनिस्टर कॉटेज देता हूँ। दादी जी ने उस समय मुझे देखकर कहा अभी तुम बॉम्बे को, हैदराबाद को टाटा बाय बाय करो और अब अपना सारा सामान लेकर। मैंने कहा दादी जी योगिनी मेन से बात करनी होगी, तो दादी जी ने कहा कि योगिनी मेन से मैं बात करूंगी, परंतु अब तुम जयपुर जाओ। जब तक वो मिनिस्टर कॉटेज को अपने हिसाब से बना रहा था, मेडिटेशन रूम हॉल ये सब के हिसाब से उसने सारा कंस्ट्रक्ट करवाया, रेनोवेट कराया एक मिनिस्टर कॉटेज को, लेकिन तब तक उनकी ट्रांसफर हो गई तमिलनाडु के अंदर। और तब फिर दादी जी ने कहा अब तीसरा सेंटर खोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन लोगों ने वापस मिनिस्टर कॉटेज तो ले लिया। तो दादी जी ने कहा भी ज्ञान सरोवर बन रहा है। बहुत प्यार से दादी जी ने मुझे बुलाकर कहा
कि देखो उषा दादी की इच्छा यह है कि तुम मधुबन में रहो, लेकिन फिर भी दादी तेरी इच्छा जानना चाहती है कि तुम अगर कोई सेंटर पर जाना चाहती हो, वापस हैदराबाद जाना चाहती हो, बॉम्बे जाना चाहती हो, मेरी खुली छुट्टी है, लेकिन दादी की इच्छा यह है कि तुम मधुबन में रहो, क्योंकि अब एक शिलू पहुंच नहीं सकती है और ज्ञान सरोवर बनने के बाद तो यह सेवा का स्वरूप भी बदल जाएगा, बहुत विशाल हो जाएगा, तो हमें ऐसी योग्य टीचर यहाँ चाहिए। मेरे मन में आया कि दादी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो चाहे तो हमें ऑर्डर कर सकती थी कि अब तुम यहाँ रहो, तेरे को कहीं जाना नहीं है, लेकिन फिर भी दादी इतना निर्माण होकर के मुझे पूछे तेरी क्या इच्छा है, सेंटर पर रहना है या मधुबन निवासी बनना है। मैंने कहा दादी आपकी इच्छा बाबा की इच्छा है और इसीलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है मधुबन निवासी बनने में। सचमुच दादी जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो इतना प्यार से मुझे गले लगा करके इतना प्यार दिया और कहा कि हाँ। और दादी जी ने कहा कि तेरे को हमने ही भेजा था बॉम्बे, तुम तो है ही मधुबन की और इसीलिए दादी जी भी यही चाहना रखती है कि तुम मधुबन में रहो, लेकिन हाँ मधुबन में रहने के लिए एक बेहद का घर है, बेहद की भावनाओं के साथ यहाँ रहना होगा, सेंटर छोटा सा स्थान है, वहां जो बातें आती है और यहाँ जो बातें आएंगी उसके लिए दादी तेरे को पहले ही सतर्क करती है, ये भाइयों का घर है, बहुत सी बातें आ सकती है, लेकिन कोई भी बात हो तुम आकर के मुझे सुना सकते हैं। और सचमुच कदम कदम पर जैसे दादी जी ने अपना वरद हस्त रखा, हर समय मुझे आगे बढ़ाने का जैसे दादी जी ने अपनी जिम्मेवारी समझी, चाहे वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, चाहे वो शिविर का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी सेवा हो, दादी जी जैसे उस सेवा के लिए हमेशा उज्जत से बुलाती थी, कहती थी, देती थी कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, ये सेवा करनी है। और मुझे बहुत खुशी होती थी इसी बात की कि डायरेक्ट दादी जी के छत्र छाया में जो प्रोग्रेस मेरा हुआ, हर तरीके से दादी जैसे आगे बढ़ाने की भावना रखती थी, दादी जी जब देखती थी किसके अंदर कौन सी विशेषता है और उस विशेषता को देखते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही डायरेक्शन देती थी, तो बस उस डायरेक्शन के आधार पर चलते हुए प्रतिदिन आगे बढ़ना, हर कदम में प्रोग्रेस अनुभव करना, आध्यात्मिक जीवन के अंदर उन्नति का अनुभव करना, ये हमने दादी जी से जैसे वरदान के रूप में प्राप्त किया। और इसीलिए मधु बनाने के बाद विशेष सेवाओं के निमित्त दादी ने बनाया, चाहे मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेकर के मैनेजमेंट की जो सेवाएं होती थी, मधुबन से अनेक कंपनीज में भेजने का कार्य दादी जी का जैसे विशेष प्रेरणा रहती थी, और जब भी कोई ऐसा इनविटेशन मिलता था और दादी जी को कहते थे तो भी जैसे दादी बहुत खुशी से हमें छुट्टी देकर के भेजती थी, जब भी कोई शिविर का ग्रुप आता था दादी जी से मिलने के लिए तो उस शिविर के ग्रुप में भी ये महसूस करते थे हम, उस शिविर के ग्रुप में जब बैठते थे तो दादी जी हमें कभी भी नाम से नहीं पुकारती थी, चाहे मैं हूं, शिलुबेन थी,
लेकिन उन शिविर वालों के सामने दादी इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड देती थी, उषा बहन, शीलू बहन कहकर के ही जैसे हम उनसे बात करती थी शिविर वालों के साथ। एक दिन मैंने ऐसे ही जस्ट दादी को कहा कि दादी आप हमको उषा बहन क्यों कहती हो उन लोगों के सामने, आप तो इतने बड़े हो, आप नाम से भी बुला सकते हो। दादी ने कहा नहीं, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, और इसीलिए तुम लोगों के प्रति इनकी भावनाएं होती हैं, उनका रिगार्ड होता है, तो उस रिगार्ड को बनाए रखने के लिए हमें भी वैसे ही कहना होता है। कहने का भावार्थ के दादी जी हमेशा इस बात का भी ध्यान रखती थी कि जो शिविर वालों को आपने शिविर कराई उनका आपके अंदर कितना भाव है। हम खाली नाम लेकर के करेंगे तो उस भाव को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए दादी उनके सामने हमें इतना ही रिस्पेक्ट रिगार्ड देती थी और उससे उनके अंदर भी इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड कि इतनी बड़ी संस्था की हेड वो आप लोगों को भी, ये शिविर वालों ने हमें कहा भी इस बात को कि इतनी बड़ी संस्था की हेड और वो आप लोगों को उषा बहन, शीलू बहन इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, ऐसा हमने कभी किसी संस्था में नहीं देखा। तो इसीलिए आप लोग जो कहते हो उसकी प्रैक्टिकल जीवन में धारणा है ये हमने यहाँ पर देखा और कहीं नहीं देखा कि जहां आपकी हेड इतनी निर्माण हो तो नेचुरल है कि वो धारणाएं आप लोगों के जीवन में भी हमें देखने को मिलती है। बातें तो अनेक है, एक एक बात के लिए भी आज दादी जी की याद आती है। अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिसका स्मरण करते हुए ऐसा महसूस होता है कि सचमुच बाबा ने इसीलिए शायद आगे के एडवांस पार्टी के कार्य में भी विशेष तेजी लाने के लिए दादी जी को ही चुना और अपने साथ ले लिया। लेकिन आज अगर दादी जी प्रैक्टिकल में यहाँ होते थे तो नेचुरल है कि इस संस्था को और भी ऊंचाइयों पर जो पहुंचाया है और भी प्रत्यक्षता के लिए दादी जी जरूर निमित बन जाती थी और ये कार्य सारे विश्व के अंदर जिस तरह से दादी जी के नेतृत्व में दिन दुगुना रात चौगुनी बढ़ता रहा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अच्छा, ओम शांति।